क्या हुआ तुम्हें? इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे चम को देख के हंस रहा था। एक तो ना पागल एक नंबर का, एक तो उसे अपने मन की बात समझ में नहीं आती है, और पता नहीं चलता, लेकिन वो जो महसूस करता है ना उसकी शक्ल पे दिखता है। देख रही थी कैसे शादी का ख्याल रख रहा था, और ऊपर से वो एप्पल कट करके दिया उसे, और मतलब तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब बातें नहीं सुननी, मुझे सिर्फ और सिर्फ सावी की फिकर है। हाँ, सोना, ओके, जानता हूँ, रिलैक्स। अच्छा काम करता हूँ, अपने बीवी को सबसे पहले पहली रसोई में मदद करता हूँ, बताओ क्या करूँ? अरे वाह, परफेक्ट। एक ये लो, ये एप्रन, ये चाकू, ब्रोकली, चलो शुरू हो जाओ। क्या मतलब, तुम कुछ मदद नहीं करोगी? नहीं नहीं, मदद करूंगी ना, मैं तुम्हें बीच बीच में चीयर करती रहूंगी, तुम जब थक जाओगे तो मैं तुम्हें पानी दे दूंगी, और फिर सारा काम अगर करते करते थोड़ा बिजी भी रहे ना तुम, तो तुम्हारे जो पकाओ फोन कॉल्स हैं मैं वो भी अटेंड कर लूंगी। फोन क्या? फोन दो। फोन के बगैर भी मैं खाना बना ही सकता हूँ। चल कहाँ से शुरू करे? ओके श्रीधर, एडवोकेट श्रीधर का कॉल आ रहा है। अरे सोना बताना भूल गया, तलाक की डेट्स चेंज हुई है, उसके पेपर्स भेज रहे थे, और नितिन ने एक्चुअली उनसे रूडली बात की, तो सब कुछ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ये फोन उठा लूँ? हाँ देखो। हेलो, ओके श्योर, मैं आती हूँ। वो कह रहा है कि वो फाइल लेकर आया है, मैं लेकर आऊँ क्या? प्लीज प्लीज जल्दी। बहू जी, ये वकील साहब के यहाँ से आया। गिरधर जी आप चाहिए? जी। ये रही एप्लीकेशन, डिवोर्स की डेट्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें मिस्टर दालमिया की सिग्नेचर चाहिए, तो आप सिग्नेचर करवा के हमें ऑफिस भेज दीजिएगा, और मैं उनके सामने नहीं आना चाहता, पता नहीं कौन से मूड में हो, और साइन करने के बाद हमें ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार भी भिजवानी है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। जी थैंक यू। थैंक यू। पेपर्स पर साइन करने से पहले ये लेटर पढ़ लेना नित्यम, फिर डिवोर्स कल ही हो जाएगा। अब किचन में ये सब खाना आप बना रहे हो? मुझे लगता है ना कि ये सब सोनम को अपनी पहली रसोई के लिए खुद बनाना चाहिए था। वो बुआ दादी के जमाने में बिट्टू, ये नया स्टाइल है, नया ट्रेडिशन। एक काम करो, ये तू चक्के बता कैसा है, खीर बनाई है। नाइस। वैसे सच कहूँ ना भैया, किचन में और खाना बनाने में तो आप पहले से एक्सपर्ट हो। वो तो मैं हूँ, देख पूरे उज्जैन में सबसे बढ़िया शेफ हूँ, समझे? और सुन इधर, ये तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ की ना कभी कड़ी चावल खिलाऊंगा तुझे, माँ से भी बढ़िया बनाता हूँ, लेकिन माँ को बताना मत मेरे भाई। ठीक है, एक काम कर यार, मैं भूल गया, मुझे रायता बनाना, बिट्टू जल्दी ला, वो दे देना फ्रिज में से, जल्दी मुझे भी कर चखने दे वापस। वाह। हेलो मानव, तुम आ रहे हो ना दालमिया हाउस? हाँ यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सा कलर? ब्लू, सावी का फेवरेट। आ रहा हूं मैं।
ये लीजिए। हाँ कुछ नहीं, मैं चलता हूं। रुक। पहले जो सावी के लिए लेने आया था वो तो ले जा। मैं नहीं तो क्या मैं कुछ भी अरे मैं टहलते यहाँ आ गया। अच्छा ऐसा क्या? उससे तो जलने की बुआ रही है, मुझे लगता है कि आपको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। जाइए जाइए जल्दी जाइए। मैंने से बनाया यार खाना मैंने। क्या तुझे लगता है ऐसे तू भाग जाएगा? याद है ना बचपन में ऐसे पकड़ लेता था, बहुत कोशिश करता था तू, कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ समझे। वैसे भी आया है तो थोड़े संतरे ले जा, एनर्जी मिलती है उससे। आप कह रहे हो तो मैं सिर्फ हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, दूसरा कौन कह रहा है? तू बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। अरे मेरे प्यारे बिट्टू, तेरी सावी मुझे मजनू भैया बुलाती है, तो किसी भी मजनू के दिल का हाल ना मुझसे छुप ही नहीं सकता। शुभी हाँ सोना, मैं आ ही रही थी, अब बताओ कि क्या काम करना है, क्या बचा हुआ है? कुछ काम नहीं करना है, अरे सिर्फ टेस्ट करना है खाना। आ जाओ आ जाओ, ये चखो। पर रक्षु बेबी, ये रसोई तो मेरी थी, मुझे बनानी चाहिए थी, और तुम मैं तो ये खाना मैंने नहीं बनाया, देखो। पर मैंने मैंने तो कुछ हेल्प ही नहीं की ना। ऐसे कैसे हेल्प नहीं की? लो 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 अच्छे से लो, और ये इस तरह से थोड़ा सा डाल दो, और इस तरह से मेरी प्यारी बीवी ने अपनी पहली रसोई में सारा खाना अपने हाथों से बना दिया। मेरा परिवार एक साथ कितना अच्छा लग रहा है, और ये सब सावी की वजह से हुआ। बस महादेव जी की कृपा से हम सब यूं ही एक साथ रहे और खुश रहे। हाँ दीदी, सावी को देखिए, इसको देख के तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कल अस्पताल से घर आई है, इसकी सेहत तो खेल रही है दीदी। लेकिन इस बात का सारा श्रेय बिट्टू को जाता है माँ। लेकिन इतनी परवाह की ना कि उस बेचारे को सांस ही नहीं नहीं लेने दी। क्या? एक मिनट चैन की सांस नहीं लेने दी माँ। ये मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, बोलते हैं अभी जाके खाना खा लो, अभी जाकर सो जाओ, और वो ग्रीन जूस कड़वा वाला, उसके बारे में तो हाँ हाँ मैंने भी देखा, सावी जब दवाई खा रही होती है तभी आकर देखता है इसने दवाई खाई कि नहीं, बहुत ढोस जमाता है उस पर है ना सावी? वो क्या स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं, नजर रखनी पड़ती है, और क्या? वही तो कह रहे हैं, नजर बिट्टू नजर। सोनम, सुहावनों के स्वागत में पान का पत्ता नहीं दोगी? पान के पत्ते? अरे दीदी पान के पत्ते वो आप ही ने कहा था ना वहां जाके रखने के लिए, देखिए मैंने वहां रख दिए। हाँ हाँ सावी को कहा था मैंने, मैं भूल गई, अभी लाती हूँ। सोनम जी, वाह मेरी मिसेस दालमिया, गले में हीरो का हार और सर पे पल्लू, कैसे आया ये बदलाव? बस जल्दी से इस घर की इकलौती बहू बनने तो दो मामी,
फिर आप देखना कि मैं क्या क्या जादू करती हूँ। माँ, मानव नहीं आया अभी तक? मोनू नहीं आ रहा है क्या? क्यों? वो क्यों आएगा? अच्छा, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि काफी दिन हो गए और उससे मिली नहीं। After all, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त जो हो। मुझे ऑफिस में काम, जो भी करना है जल्दी करो। अरे, अभी तो मैं आया हूँ। नमस्कार। क्या नित्यम, तुम भी हर वक्त जल्दी में रहते हो। तुमने सुना नहीं है क्या, काम जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं। तुम्हें ज्ञान देने का बड़ा शौक है ना, फिर काम करो। इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस की जगह लाइफ कोचिंग क्लासेस खोलो, पैसे भी डबल मिलेंगे। हाँ, वो क्या है ना मिस्टर दालमिया, हर काम कमाई के लिए नहीं होता। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, उन्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, उनसे लेना नहीं। आपको कभी अपने पैसे छपाई से फुर्सत मिल जाए तो आओ देखो। नित्यम, वो एडवोकेट श्रीधर ने फाइल भिजवाई है, आपको वो पेपर साइन करने होंगे, रजिस्ट्रार की ऑफिस भिजवाने हैं। वो पेपर साइन करने थोड़े से अर्जेंट हैं, आप प्लीज कर देना। और अब सबके सामने होगा बड़ा तमाशा। सोनम, तुमको सब पता है, सिर्फ इतना भूल गई कि सुहागनों की आरती भी करनी है। जी, गिरधर। जी सर। ये पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवा दो अभी। मानव वाला लेटर कहाँ है? नित्यम ने पढ़ा नहीं? अरे नित्यम जी, आप कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? भूख नहीं है माँ। मैं देख कर आता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? चलो रस्में करो पूरी। जी बुआ दादी। तूने तो कहा कि तुझे भूख नहीं लगी। एक बात बता, मानव के साथ इतनी खुन्नस में क्यों रहता है हमेशा? ऐसी कोई बात नहीं है। है, ऐसी ही बात है। एक मैं पहले का कुछ नहीं जानता, लेकिन
मेरी शादी से देख रहा हूँ तुझे। जब भी तेरे आसपास आता है तू चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है तुझे। क्या बात है भाई, तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि से तू और सावी अलग रहे हैं, मानो उसके और करीब गया है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, और इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है नित्यम, और ऐसा फर्क तभी पड़ता है जब आपको किसी की परवाह हो, और अब वो परवाह प्यार बन चुकी है। ना 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 ना, कुछ मत बोल इस वक्त, और सिर्फ सुन, मेरी नहीं अपने दिल की आवाज को सुन कि वो तुझसे क्या कहना चाहता है। कहाँ गई मानव की चिट्ठी जिसमें उसने सावी के लिए अपने दिल की बात लिखी थी? मुझे पक्का पता है नित्यम ने नहीं पढ़ी, वरना वो इतना शांत नहीं होता। सोनम, खाना परोसना है। जी। कैसे पहुंच गई? तभी नित्यम ने तलाक की तारीख आगे बढ़ाने वाले पेपर्स चुपचाप साइन कर दिए। रक्षम भैया ठीक कह रहे हैं, क्यों मुझे उस आदि वाली शहन से इतना फर्क पड़ता है? क्या मैं सच में सावी से? मेरी सावी बावरी, मेरी कहने में ना बहुत गुदगुदी सी हो रही है। बचपन में सब कहते थे कि तेरे दिल की बात जुबान तक आए उससे पहले मुझे पता चल जाती थी, और मेरे तो दिल तक आने से पहले तुझे मेरी बात पता चल जाती थी। सिर्फ तेरे मानव को पता था कि तुझे कब क्या चाहिए, कैसे चाहिए। हम दोनों एक साथ बेस्ट हैं सावी, एक दूसरे की चिंता फिक्र ये तो हमने हमेशा की। तू सोच रही होगी कि मोनू को क्या हुआ है? हुआ है सावी, बहुत जोर से हुआ है, तभी तो लिखकर अपने मन की बात बयां कर रहा हूं। सारा मोहल्ला जानता था, हमारे परिवार जानते थे, मुझे भी पता था, लेकिन हमारी लव स्टोरी में वो खड़ूस नित्यम दालमिया नाम का विलन आ गया। तूने मजबूरी में शादी तो कर ली, लेकिन सिर्फ सात फेरे लेने से शादी शादी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि उस आदमी ने ना तेरी परवाह की है और ना तेरी इज्जत करता है। अच्छा ये है कि ये शादी खत्म हो रही है, तू वापस आ जा शादी पर, तू बस आ जा। शुरू से शुरुआत करते हैं। प्रॉमिस करता हूं तुझे तेरे हक की हर खुशी दूंगा, तुझे संभाल के रखूंगा। उस विलन ने तेरे साथ जो गलत किया है मैं सब सही कर दूंगा। अब तेरा मानव चैन बैक इन उज्जैन तेरी राह देख रहा है। आ जाना जहां तुझे होना चाहिए, मेरे साथ, मेरे पास।